गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की हम राइड में बहुत सारी जगह घूमने जाएंगे। आज हमारा टूर है, छोटा सा 5-7 दिन का होगा। 5-7 दिन के लिए हम जा रहे हैं और आप लोग वीडियो में बने रहिए ताकि हम कहाँ कहाँ घूमते हैं आप लोगों को भी जानकारी देंगे कहाँ का मौसम कैसा है। हम लोग माणा गाँव जाएंगे, मतलब यहाँ से माणा तक जाएंगे। उसके बीच में कुछ जगह हैं जैसे तुंगनाथ मंदिर हुआ, हमारे भोले बाबा का विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर, और वहाँ से और बद्रीनाथ तो फिर आपने सुना ही होगा, माणा गाँव के पास है, बद्रीनाथ होते हुए भी आएंगे। और आप लोग वीडियो में बने रहिए, वहाँ का मैं दिखाता हूँ। और हमारी पैकिंग हो चुकी है आज की, और सुबह के बज रहे हैं 5। ये हमारा बैग छोटा सा आगे के लिए, और ये हमारा पर्सनल बैग हो गया, इसमें कपड़े वगैरह हैं। और हमने दोस्तों पूजा करके अब हम यहाँ से निकलते हैं। हमारा छोटा सा मंदिर है ये। रुको बेटा, सो रहा है अभी बाबू? पिंड बेटे, ओए गुड मॉर्निंग हो गई, देख डैडी जा रहे हैं घूमने करने। बेटा बाबू उठ जा यार, अभी तो खेल रहा था अभी हमारा बेटा। अभी देखो सुबह सुबह हम लोग 3 बजे से जगे हुए, 3 बजे से वो भी जग रही है, आप सो गई है फिर से। बाबू उठ जाओ बाबू, ओए उठाओ उठाओ, इसे जबरदस्ती उठाओ, बाय कर लो डैडी से, डैडी जा रहे हैं, फिर 5-7 दिन तक नहीं मिलेंगे तुम्हें, और देखने को नहीं मिलेंगे, फिर फोटो में देखेगा, फिर कहेगा आई आई आई। तो फ्रेंड्स काफी ज्यादा टाइम हो गया, हम लोग निकलते हैं वहां पे सेंटर पे जाके, भाई हमारा बेस कैंप समझ लो वहां पे। एक बाइक और जा रही है, भाई राइडर हैं वो भी, हमारी तरह व्लॉगर हैं, व्लॉग बनाते हैं। और गोलू भाई हमारे तो है ही, आप लोग जानते ही हैं, वो भी जा रहे हैं हमारे साथ। और गोलू के फ्रेंड और हमारे भी जानने वाले हैं चंदन भाई, वो भी हमारे साथ जा रहे हैं। चलो चलते हैं आगे, और आप लोगों को एक जरूरी चीज दिखाता हूँ। ये देखो हमारा ड्रैगन रेडी है, रेडी टू राइड। और हमारे ड्रैगन की अब पूजा हो रही है, उसके बाद हम यहाँ से अब राइड के लिए निकलते हैं, रेडी हो चुके हैं। रियांशी बेटा बाबू, अभी भी हमारा बिट्टा नहीं उठ रहा है। जय शनिदेव। और ये हमारे शनिदेव विराजमान है हमारे रथ पर, हमारी रक्षा के लिए। हाँ भाई साहब, सर्दी लग रही है, सर्दी मान, नींद नहीं खुल रही है, थोड़ा जल्दी कर लो। है जानसी बेटा, बाबू डांस बेटा, बेटा ओए कितो कितो, हाँ बाय बाय कर लो। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं आशू के सेंटर पर, और ये देखो हमारे दूसरे राइडर, और ये अपना ड्रैगन। आशू भाई क्या हाल है, फुल पावर? हम नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, लेके बीच में बैठा के लेके चलेंगे। और हमारे गोलू भैया देखो गमछा डाल के तैयार है अपनी, जरूरी है। और ये हमारे चंदन भाई, ये हमारे साथ राइड पे रहेंगे, हम 4 लोग जा रहे हैं, गोलू भैया और ये क्या नाम है ये चंदन भाई, इन्हें भी ले चलते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब आगे की तरफ, क्योंकि टाइम काफी हो गया है, सुबह हो चुकी है, वैसे आराम से ही जाना है हमें, रिलैक्स होके।
कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है, बट फिर भी टाइम से निकलना ज़रूरी है हमारे लोगों का। हाँ हाँ चलो फिर, चलो ठीक है फिर निकलते हैं। मॉर्निंग हो गई है काफ़ी ज़्यादा, आज तो मौसम भी ज़्यादा वैसा ठंडा नहीं है, नॉर्मल मौसम है, आराम से जाएंगे राइडिंग पे। तो फ्रेंड्स फ्यूल ऑफ हो रहा है, अरे हाँ तो देंगे हो गया, बस भाई बस ये लोग मॉर्निंग में वॉक पे निकले हैं बस थोड़ी सी छोटी सी राइड के लिए, और इन भाई ने हमें बताया है रास्ते के लिए कहाँ कहाँ जाना है। सही ब्रो मिलते हैं, ओके ऑल द बेस्ट। चलो अमन भाई और फ्रेंड्स ये लोग अपनी मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं और हम तो फ्रेंड्स ये लोग निकल रहे हैं यहाँ से, अब हम भी यहाँ से चलते हैं क्योंकि हमें लंबा सफर तय करना है। तो भाई चलते हैं, निक्की भाई मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, ओके ओके ओके। ये धुआं तो निकाल दिया, दम मारो दम मारो दम मारो दम दम मारो दम। हम तो बिस्कुट खा रहे हैं, ले बहुत मिट जाए सर्दी, आएगा अभी लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर स्टे किया है और यहाँ से अभी 10-15 मिनट में खाना पीना कुछ खा के उसके बाद निकलते हैं। भाई वाह चाय में मजा आ गया, कुल्हड़ चाय में। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब हम यहाँ से निकलते हैं अपने सफर के लिए, बने रहिए हमारे वीडियो में। ओ ड्राइवर चेंज हो गए हैं अब, ये चंदन भाई चलाएंगे अब, ड्राइवर चेंज हो चुके, हमारा ड्राइवर यही रहेगा, हमारा ड्राइवर गोलू भाई। हरिद्वार से पहले कोहरा ही कोहरा था, ओ भाई देख पहाड़ पहाड़ आने शुरू हो चुके हैं। भाई क्या नजारा है, भाई वाह ओम नमः शिवाय, जय हो गंगे मैया की। आप लोग देख सकते हैं पहाड़ आने शुरू हो गए हैं, अभी हम ऋषिकेश में चल रहे हैं, यहाँ से पहाड़ आने शुरू हो गए हैं और अच्छे अच्छे व्यू आने भी शुरू हो गए। देख रहे वेरी नाइस। तो फ्रेंड्स हम लोग ऋषिकेश आ चुके हैं, वही वाह देखियो कितना पानी है भाई वाह देख। हमारे इधर के बच्चे होते तो ऐसे में क्रिकेट खेलन लगे हैं, गिल्ली डंडे गाड़ के। भाई वी भाई बड़ा प्यारा व्यू आ रहा, देख गोलू दिखाऊंगा तुझे अभी। हमारा पहाड़ी सफर दोस्तों शुरू हो चुका है, ये देख क्या तगड़ा व्यू भाई वाह। अरे देख बादल अलग सुई नीचे आ रहे हैं।
हमारे साथी भी पीछे की तरफ आ रहे हैं। आ रहे हो भैया? सॉरी सॉरी, वो लोग अभी पीछे ही रह गए, ज्यादा पीछे दिख ही नहीं रहे। आराम से लो, आराम से। हमको डर बहुत लगता है। सूर्य देव को नमस्कार। ना बाबा, ऐसे नहीं चलाना है। R15 वाले को छोड़ो ना, उसको R15 वाले से क्या करना है हमें, और किसी से नहीं करनी है। और आराम से गाड़ी चलानी है, किसी से और नहीं करनी है, कोई ओवरटेक नहीं। गाड़ी क्षेत्र है, पहली स्टेप है, पता पड़े के पूरी माँ हो गई थी। भाई देख, ऋषिकेश में कितना मजा आ रहा है, कितने तगड़े तगड़े भी। बट हमें यहाँ पर रुकना नहीं है दोस्तों, हमें और आगे जाना है। ओ भाई, आ गए हमारे साथी। ये हमारे राइडर, और हम लोग श्रीनगर में स्टे करेंगे। और श्रीनगर 91 किलोमीटर है, गौरीकुंड 200। फ्रेंड्स, हम ऋषिकेश से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और भी कितना प्यारा व्यू आ रहा है। इधर से गंगा नदी आगे की तरफ जा रही है, और इधर से हल्का हल्का पानी आ रहा है इस साइड से, उधर से कम आ रहा है पानी। और फ्रेंड्स, हम लोग कौड़िया विलेज आ चुके हैं। अब यहाँ से 50-60 के समथिंग श्रीनगर, हाँ 50-60 के करीब श्रीनगर है। और हम पहली रात का स्टे श्रीनगर में ही करेंगे, है गोलू भैया? हाँ भैया, हाँ वहीं करनी है ना। हाँ, हाँ। और उसके बाद फिर हम चलेंगे गाड़ी की सर्विस। हाँ, बाइक की सर्विस भी करवानी है वहीं पर श्रीनगर में ही, KTM का शोरूम है, वहीं पर सर्विस करवाएंगे। उसके बाद फिर आगे की यात्रा पूरी करेंगे। और आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा प्यारा सा व्यू आ रहा है पीछे की तरफ। और फ्रेंड्स, इधर हमारे रूपेश भाई व्लॉग बना रहे हैं, व्लॉग शूट कर रहे हैं, ये गोप्रो है अपना, और कैमरा वगैरह निकालेंगे, उससे फोटो शूट वगैरह करेंगे कुछ। भाई वाह, क्या प्यारा व्यू आ रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों को जानकारी बता देता हूँ कि इस समय में ना गंगा मैया का पानी बहुत ही साफ और निर्मल रहता है। और बाकी का बरसात के टाइम छोड़ के किसी भी टाइम पे आपको छोटा सा टूर करना है तो आप सबसे पहले यहाँ पे आ सकते हैं, हरिद्वार और ऋषिकेश का छोटा सा टूर कर सकते हैं। यहाँ पे भी फुल एंजॉय होगा, देखने के लिए मिलेंगे अच्छे अच्छे व्यू आप लोगों को। तो आप लोग अगर छोटा सा टूर करना चाहते हैं तो हरिद्वार और ऋषिकेश आ सकते हैं। फील तो आ रहा है जैसे हमें लग रहा है कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। अरे ये लोग भी स्वर्ग जा रहे हैं भाई, वाह, इतनी जवानी में स्वर्ग क्यों जा रहे हो? आप लोग भी स्वर्ग जा रहे हो? तुम्हारे तो कर्मकांड पाप इतने हैं कि तुम स्वर्ग कैसे जा रहे हो? और भाई यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड को थोड़ा चौड़ा किया जा रहा है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ना। अपने लाइन में रहना है। हाँ, इस लाइन के, वाइट लाइन के, अपने लाइन में रहना है, अंदर ही चलानी है। अंदर तुम लिटा के कुछ भी करो साला, मतलब वो भी सेफ्टी के साथ। भाई वाह, डोंट रिस्क ले, अंडरस्टैंड, बेटर स्टैंड, बेटर अंडरस्टैंड। हम लोग देवप्रयाग क्रॉस कर चुके हैं, देवप्रयाग पर हम लोग वेट नहीं किए किसी का, ना ही वहाँ पर रुके, क्योंकि हमारे टाइम नहीं था। वापसी में आके देवप्रयाग रुकेंगे, वहाँ का व्यू दिखाएंगे, और इस व्लॉग में नहीं दिखाएंगे, वहाँ का व्यू अगली बार में दिखाएंगे। यहाँ पर संगम है,
दो नदियों को संगम है, गंगा माँ मिलती है आगे, तो अब वो वापसी में आके दिखाएंगे। जाके देखते हैं शोरूम के लिए तो बने कर रहे हैं, सर्विस के लिए बजाज वालों से बोल रहे हैं, बजाज वालों को करवा लो और वो KTM में अपने शोरूम से बात करवा लो, तब देखते हैं क्या शोरूम से निकलता है। तो फ्रेंड्स हम लोग श्रीनगर में आ चुके हैं, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था बाइक की सर्विस करवानी थी और यहाँ पर हमारी KTM की कोई भी शोरूम नहीं है और बाइक की सर्विस नहीं हो पाएगी। वैसे भी देखते हैं 1000 किलोमीटर से ऊपर 150 ही चलेगी और हम वापस पहुंच जाएंगे। हाँ तो भी पहली सर्विस काउंट होगी उससे और हम वापस में ही सर्विस करवाएंगे हरिद्वार में आके करवाएंगे, तो उसका शायद 1000 के समथिंग चल जाएगी। तब तक के लिए अभी यहाँ पर बजाज का शोरूम है, उनके मैनेजर से बात हुई है, उन्होंने इस तरह से मुझे डिटेल में बताया है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे ऐसा लगता था कि कहीं इंजन में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, 150 एक्स्ट्रा चल जाए इसलिए कहीं इंजन में प्रॉब्लम ना आ जाए, तो उन्होंने बताया ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस सर्विस काउंट हो जाएगी। अगर ओवर चलती है तो सर्विस दूसरी सर्विस काउंट हो जाएगी, दूसरी में काउंट हो जाएगी, बस यही उन्होंने बताया है। तो सर आप लोग व्यू देख रहे हैं यहाँ पर, बहुत सारा एंजॉय कर रहे हैं, आपको आपको दिखा देंगे। तो आप व्यूज देख रहे हो भाई के पीछे, व्यूज कितना तंगड़ा है भाई, तो काफी एंजॉयमेंट यहाँ पे व्यूज था, तो इसलिए हम रुक के थोड़ी बहुत यहाँ पे और वीडियो बनाने लग गए, क्योंकि ब्लॉग में 4 चांद लग जाते हैं जब वीडियो ऐसी आती है। तो और फ्रेंड्स हम लोग श्रीनगर से आगे की तरफ आए हैं, तो यहाँ पर देखो आप लोग कितना अच्छा व्यू है, बादल भी नीचे आने लगे हैं अब, आज मैं ऊपर आसमां नीचे आप लोग देख सकते हैं, और पानी देखो कितना नीला पानी है, साफ स्वच्छ पानी दिख रहा है और दो कलर का पानी है ये देखो। और हम टाइम हो गया है काफ़ी, और गोलू भैया हाय भाई, देखो बादल देखो नीचे आ गए आप। अभी हम लोगों को और आगे जाना है, बादल अभी और नीचे आएंगे क्योंकि अभी 170-180 के करीब और सफ़र हमारा बाकी है, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे सीधे माना गांव और बद्रीनाथ। अच्छे भी रूम है, 500 से 1000 रुपये में 4 पर्सन के लिए बोला है अभी तक। यहाँ पे तो मैंने इतना सोचा नहीं था जितना सस्ता रूम यहाँ पर है और अच्छे भी, बस एक प्रॉब्लम आई है वाईफाई की सुविधा नहीं है। वो देखो नीचे उतर रहे हैं, अब हमें वहाँ पे जाना, वहीं पर पार्किंग वार्किंग की व्यवस्था सब कुछ सही है। चलते हैं आगे, बने रहिए वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और वीडियो में बने रहना जो आपका बहुत जरूरी है, आने वाले व्यू आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। और हमारी ड्रैगन आ रही है अभी, विकास भाई इधर ले के आएंगे उसको, तो ये कुछ ड्रैगन का नज़ारा है, देख ले रूं। हाँ तो अपनी ड्रैगन भी यहाँ पे आ चुकी है, ड्रैगन को आने दो, यहाँ पर लग जाएगी ड्रैगन। पार्किंग में वो रही बाइक हमारी ड्रैगन, वो खड़ी अभी लोडेड है, और इधर पल्सर हमारी खड़ी हुई है। रूम तो सही है, बाकी का आप इसे डन करते हैं, चलो हो गया, और उसके बाद सामान वगैरह लेके आते हैं वहां से, फिर सामान शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, उसके बाद खाने पीने का जुगाड़ देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। हम सब लोग अपने रूम में, और ये रूम का नजारा है, विकास भाई अपनी वीडियो बना रहे हैं, गोलू भैया बड़ी जल्दी हो रही है तुझे, चंदन भाई और गोलू भाई को तो बहुत जल्दी है, ये जो है से जल्दी है तेरी है, खोलो 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 जल्दी जल्दी।
तो फ्रेंड्स चलते हैं, सामान उतार के लाते हैं, उसके बाद फिर अपनी लाडो से आगे की वीडियो में बने रहिए। भाई साहब आप लोग देख सकते हैं गोलू भाई को कितनी भूख लगी है, सबसे पहले मेनू कार्ड मंगाने लगे नीचे ही खड़े होके मेनू कार्ड मंगा रहे थे। और मैंने कहा पहले रूम वगैरह तो देख लो और खाने की पहले बढ़ रही, मैंने कहा खाना कहीं भगा जा रहा है। हाँ भाई रूम मेनू कार्ड पहले दे तो रूम बाद में देना, खाना पहले, खाना कहीं भाग रहा है देख, सामने ही होटल है देखो, नहीं लास्ट में बंद हो जाएगा तो खुलवा तो लेंगे यहाँ पे। उतना तो बैग में पड़ा होगा यार, बैग में पड़ा है तो बस फिर क्यों खाने की, मेनू कार्ड पहले क्यों मंगा रहा था। तो दोस्तों सामान निकाल के अभी रूम में शिफ्ट करते हैं। तो दोस्तों गोलू भाई कुछ कहना चाह रहे हो? क्या कहना चाह रहे हो गोलू भाई? कुछ नहीं यार, मैं ये देखूं ये काई का लेट रहा है, लेट रहा नहीं है, पहले लपेट रहा है गोलू भाई, कह रहे हैं लपेट रहा है। अरे अभी रंग चढ़ गया भैया, सर्दी ऐसी बद्रीनाथ। तो फ्रेंड्स हमने बैग बैग अपने सारे रख दिए हैं और हेलमेट वगैरह रख दिए, मीडियम में कमरा अच्छा है, कोई नहीं प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा है कमरा, और यहाँ पे हम चार लोग एक साथ रुक जाएंगे, 500 रुपए में कमरा है, यहाँ पे वाईफाई नहीं है, बाकी का सब कुछ है, गीजर वगैरह लगा हुआ है, सब कुछ साफ सुथरा है, ज्यादा गंदा नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। हाँ क्या कह रहे हो हाँ, सफर तो बढ़िया रहा एकदम मस्त मस्त एकदम रापचिक बोले तो रापचिक कुछ भी ना, बाइक से और भी मजा आवे यार। और वन वे है बहन जो, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम और चल रहा है, डंपर ही डंपर, और एक बार डंपर आगे आ जावे तो रास्ता और ना दे रहे। हाँ अरे साइड बस मौके पे हूं करके निकालनी पड़ी। ना ना दिक्कत ना हुई कोई, आराम से आगे बस भाई है, ठंड पता है वहां मेरठ तक लगी, मेरठ के आगे फिर हरिद्वार के आगे कुछ भी ना है। अच्छा हाँ हरिद्वार पे ही कोर पड़ रहा, बस हरिद्वार के आगे कुछ भी ना, ऋषिकेश पे तो आगे धूप निकली आई, अब ना लगी ठंड। आप कहाँ, अब तो मैं देख सिंगल जैकेट में हूँ, अब बाहर ऐसे ही जा रहा हूँ, मौसम देख, मौसम मस्त है यहाँ, देखियो देख लगाएगा। और क्या बाइक वाइक सेफ खड़ी होगी? बाइक नीचे खड़ी है, कैमरे की निगरानी में यार, यूरी देखो पार्किंग यू ही है मतलब यहाँ की। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं सम्राट होटल एंड रेस्टोरेंट, यहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे। सबसे बढ़िया हाँ। कोना पकड़ रहे, ठंड मान के देखो कोना पकड़ के चंदन भाई तो कोना पकड़ के ठंड मान के देखे, तू भी कोना पकड़ पकड़ पकड़। अरे मेनू कार्ड हाँ ट्राई करो, ट्राई करो इसी में से ले लियो। अरे तो ट्राई कर, ट्राई कर, लो लो आपको, अरे ट्राई कर ट्राई। तो फ्रेंड्स खाना पीना हम लोगों ने खा लिया और यहाँ पर आग जल रही है, अब हम हाथ सेक के सीधे रूम में जा रहे हैं। खाना थोड़ा टेस्टी कम था, दाल वाल तो बहुत अच्छी, बाकी का अब अपना ही खाना सही रहता है, सलाद भी अच्छा था, घर का ही होता है, होटल का मुझे अब कम अच्छा लगने लगा है, या फिर अच्छा था ही नहीं। और ये हमारे साथ के जो हैं भाई लोग, ये लोग सो चुके हैं, हमारा सामान रूम सब कुछ सेट हो चुका है, और अब मॉर्निंग में मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं,
हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारे आने वाले व्लॉग आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलें। सभी भाइयों को गुड नाइट।